आज हम बनाने वाले हैं सादा ढोकला। सादा ढोकला बहुत ही टेस्टी होता है, खाने में बहुत अच्छा लगता है। और जैसे हम वड़ा खाते हैं तो ये सब में तेल मसाले मिलते हैं, तो इस ढोकले में आपको तेल मसाले बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। बहुत ही सादा ढोकला अच्छा होता है और ये आप टिफ़िन में भी लेकर जा सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। और ये बनाने में भी बहुत आसान है, साथ साथ ये नाश्ते में हल्का सुपाच्य नाश्ता भी होता है, तो जब भी आप चाहे इसे बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनता है और बस इसे बनाने के लिए बहुत ही कम मेहनत लगता है। इसे बनाने के लिए सिर्फ हमें चाहिए चावल और दाल। तो चावल हमें फुलाया हुआ चाहिए और दाल भी हमें फुलाया हुआ चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं, 2 कटोरी हमने यहाँ पे चावल लिए हैं फुलाकर, और 1 कटोरी उड़द की दाल सफ़ेद वाली लिए हैं। आप इसमें काले दाल का भी यूज़ कर सकते हैं, छिलके वाले उड़द दाल का भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा कलर हल्का सा ब्लैक दिखेगा लेकिन टेस्ट वैसा ही आएगा। तो इसे हमें अच्छे से पानी डालकर पीस लेना है, कुछ इस कंसिस्टेंसी में। आप देख सकते हैं, न ज़्यादा गाढ़ा है न ज़्यादा पतला है। इस तरह से आपको चावल और दाल को मिक्स करके पीस कर तैयार कर लेना है। अब इसे किसी बड़े बर्तन में रखिए ताकि जब ये फूले तो चावल को अच्छा जगह मिले। इसके बाद हम इसमें नमक डाल देंगे स्वादानुसार। मैं यहाँ 1.5 चम्मच नमक डाल रही हूँ, 1 चम्मच, और थोड़ा सा और, मतलब आधा चम्मच जितना और नमक डाल दे रही हूँ। और इसे हमें बहुत ज़्यादा कलछुट से उठा के बार बार इसे हिलाना है ताकि इसमें हवा जो है वो अंदर आ सके। और इसमें जो बबल्स, जितने ज़्यादा बबल्स बनेंगे उतने ही फ्लफी आपका ढोकला तैयार होगा। इसलिए हमें इसे बहुत ज़्यादा, करीब 50 से 60 बार हमें इस तरह से चम्मच से उठाना है। जो भी कलछुल हो, चम्मच हो, उससे आप इस तरह करके चावल को अच्छे से उठा लीजिए। और बार बार इस तरह करने से अंदर बहुत सारा हवा भर जाएगा, जिसकी वजह से आपका ढोकला जो है बहुत सॉफ्ट बनेगा। और जितना सॉफ्ट होता है उतना ही मज़ा आता है खाने में। तो इसे हमें रख देना है करीब 5 से 7 घंटे, 8 घंटे तक रख सकते हैं। मैंने इसे रात को छोड़ा था, इसलिए अब मैं सुबह मैं इसे नाश्ते में बनाने वाली हूँ। इसलिए मैं इसमें नाश्ते के लिए सुबह में मैं डाल रही हूँ। तो इसमें अभी आपको 2 चम्मच लहसुन मिर्ची का पेस्ट डाल देना है। अदरक पसंद करते हैं तो अदरक भी मिक्स करके पेस्ट तैयार करें। अब एक बर्तन डालें और इसे गर्म होने रख दीजिए। लगभग 5 मिनट में ये गर्म हो जाएगा। नीचे पानी डाला हुआ है और इसके बाद इसे मीडियम फ्लेम पर गर्म करना है। तब तक चावल को आप हिलाते रहिए ताकि अच्छे से बबल्स आ जाए उसमें। इसके बाद ये गर्म होने के बाद, जब आपका बर्तन गर्म हो जाता है तो उस बैटर को आपको इसमें डालना है। ध्यान रखें, जो आपने थाली बर्तन जो भी लिया है वो ऊपर नहीं आना चाहिए। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा गड्ढा जैसा बना हुआ है थाली जैसा, तो बस जहाँ तक इसका बॉर्डर है हमें वहीं तक बैटर को भरना है। और उसके बाद जब ये फूलेगा, जब ये पकेगा तो और ऊपर तक आ जाएगा फूल कर। तो इसलिए ध्यान रखना है कि उतना ही हमें भरना है। जब तक वो पकता है तब तक हम धनिया की पत्ती, कड़ी पत्ते डाल देते हैं ताकि तड़का की तैयारी हो जाए। 2 चम्मच तेल गर्म करें और उसमें 3-4 चम्मच लगभग सरसों के दाने डाल दीजिए ताकि ये तड़क जाए। और इसके बाद आपको इसको अच्छे से पकाना है, जब तक कि सरसों अच्छे से पक ना जाए, फट ना जाए, तब तक आप सरसों को पका लीजिए। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इसे कढ़ाई या बर्तन में करें, क्योंकि छोटे बर्तन में करने से सरसों जो है ज़्यादा उछलता है। तो कढ़ाई में आप करते हैं तो हल्का सा ढक्कन ढक सकते हैं, ढक्कन को थोड़ा खुला करके रखें ताकि सरसों का जो पानी है वो ना आए, वो तड़क कर अंदर रह जाए। और ऐसे जैसे मैंने किया है तो इसकी वजह से ये थोड़ा छीटा ज़्यादा उड़ता है, देख सकते हैं आप, कैमरे पर दिखाई दे रहा है, ये बहुत छीटा लगता है, तो इसे हाथों में लगने का डर है। तो ये तड़का आपका तैयार हो गया। अब हम देखते हैं ढोकला तैयार है कि नहीं। लगभग 10 मिनट में ढोकला बनकर तैयार हो जाता है। तो बस इसे निकालिए, 2 मिनट तक आप इसे थाली को निकाल कर रखिए ताकि हल्का सा ठंडा हो जाए। और इसके बाद आप इसे गर्म गर्म सर्व कीजिए। तड़का तैयार है, तड़का डालिए और गर्मा गर्म इसे सर्व कीजिए। किसी भी चटनी के साथ ढोकला बहुत ही अच्छा लगता है। बिना चटनी के भी आप खा सकते हैं, क्योंकि इसमें नमक है, लहसुन है, मिर्च है, अदरक है, सब कुछ हमने इसमें पहले से डाला हुआ है। तो बहुत ही आसान तरीका है ढोकला बनाना और खाना। तो वीडियो जैसा लगा हो, आपको पसंद आया हो, तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ कुछ और अच्छी रेसिपी के साथ।